ए सड़क तुझे घमंड थी बहुत लंबे होने में, शिहाब चोत्तूर ने तुझे पैदल ही नाप दिया। सुना है उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। हेलो दोस्तों, आपने शिहाब भाई को तो जानते ही होंगे। शिहाब चोत्तूर पैदल हज यात्रा के लिए केरल से निकले थे। सुना है उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। ये बात हकीकत है कि मुसलसल सफ़र में रहने से पैरों में छाले पड़ जाते हैं और सूज भी जाते हैं, साथ साथ पैरों में टीसे और लहरें भी उठने लगते हैं। शिहाब चोत्तूर 2 जून 2022 को अपने घर से निकले थे। 23 जुलाई को बड़ोदरा गुजरात पहुंच चुके थे। 24 जुलाई को खबर आई कि बड़ोदरा से राजस्थान की तरफ गामजन है। राजस्थान वालों के लिए अच्छी खबर है कि उनकी ज़ियारत करें और उनका साथ दें। आप जो वीडियो में देख रहे हैं, पूरे सड़क पर फूल बिछा है। ये गुजरात का बताया जा रहा है, जिसमें उनका स्वागत फूलों से कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बंदा जहाँ जहाँ जा रहा है, वहाँ के लोग, मोहल्ले, पूरा शहर के शहर उमड़ आ रहा है उनकी ज़ियारत के लिए और उनके चलने में साथ दे रहे हैं। शिहाब चोत्तूर का सफ़र केरल से मक्का 8640 किलोमीटर का है। आप लोग इस भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह इस भाई की जानो माल की हिफाजत करें। बहुत लोग शिहाब चोत्तूर के पैदल हज करने पर एतराज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब जहाज़ है ही, फिर भी पैदल चलने की क्या ज़रूरत है, ये उनका दिखावा है। मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, हम लोग वही आदमी हैं जो आज से पहले 1000 किलोमीटर पैदल सफ़र करके हज करने जाया करते थे। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। बहुत लोग माउंट एवरेस्ट पर बहुत मुश्किल से चढ़ पाते हैं और बहुत लोग हेलीकॉप्टर के ज़रिए चढ़ते हैं। और बात रही उनके पैदल चलने की, तो उनका हवाई जहाज़ से जाने से ज़्यादा उनका खर्चा पैदल चलने में है। उनका पैदल सफ़र करने में 6 से 7 लाख रुपए तक खर्च होंगे। उनका 4-5 देश से गुजर होगा। उनका रास्ते में रहना सहना, खाना पानी, कपड़ा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। आप उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। उनकी नीयत का हिसाब व किताब अल्लाह ताला मैदान-ए-महशर में लेंगे। हमको उन पर एतराज़ करने से क्या फ़ायदा, और उनके नीयत में कुछ गड़बड़ ना हो तो हम गुनहगार हो जाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तो खुद जुमे की नमाज़ के लिए पैदल नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाते और दूसरे लोग जा रहे हैं, तो उनके भी जज्बा को कमज़ोर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें।